दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उप डिप्टी सीएम को मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर ली थी, और अब एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर कि अरविंद केजरीवाल जो कि सीबीआई दफ्तर जाते हुए घर से निकल गए, रवाना हो चुके हैं, और उन्होंने सीबीआई दफ्तर पहुंचकर काफ़ी घंटों तक उनकी पूछताछ चल रही है। अभी भी उनका पूछताछ जारी है। और आपको बता दें कि ये अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर बुलाने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कई जगहों में दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोककर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सभी देख सकते हैं सीधी तस्वीर की किस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाई है, लेकिन इसे लेकर कहीं आम आदमी पार्टी में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई दफ्तर से जाते वक्त उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा। आइए आपको प्रश्न पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है, जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को।